बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ एट क्लास मैथमेटिक्स, डोमेन अलजबरा एंड सब डोमेन लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.18 में क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे। अब इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.19 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.19 स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन करनी है हमने, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे अगर आप एक्स की वैल्यू कंसिडर करें कि 4 है और वाई की वैल्यू कंसिडर करें के 1 है, तो ये जो दोनों इक्वेशंस हैं ये सेटिस्फाई होंगी एक्स की वैल्यू 4 से और वाई की वैल्यू 1 से। 4 प्लस 1 आ जाएगा 5 एंड 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं और इनका कॉमन सोल्यूशन है, यानी कि एक्स इज़ इक्वल टू 4 एंड वाई इज़ इक्वल टू 1, इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन है। तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। अब डेफिनेशन मेंशन है आपके पास पेज नंबर 119 पे, इफ़ टू और मोर लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टिंग ऑफ सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली बाय द सेम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, देन दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसके साथ आप एग्जांपल के तौर पे इस तरह से कोई भी एग्जांपल बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारे पास है 2.19, जिसमें क्वेश्चंस हमें जो गिवन है, स्टेटमेंट्स गिवन है और हमने इनको कन्वर्ट करना है इक्वेशंस की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमने इनकी इक्वेशंस बनानी है, जिसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट है, द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज़ 26 ईयर्स। ये क्वेश्चन जो हैं इनमें हमने अभी इक्वेशंस बना के उनको सॉल्व नहीं करना, जस्ट हमने स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है इक्वेशन की फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम लेट करें कि फादर्स एज जो है वो एक्स है, लेट फादर्स एज इज इक्वल टू एक्स एंड लेट करेंगे कि डॉटर्स एज इज इक्वल टू वाई, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमें क्या गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज 26 ईयर्स, यानी कि जब एक्स में से माइनस करेंगे वाई तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 26। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, स्टेटमेंट क्या है, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, तो लेट करेंगे के प्राइस ऑफ 1 बिस्किट, प्राइस ऑफ 1 बिस्किट इज इक्वल टू एक्स एंड प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज इक्वल टू वाई। तो इसी तरह मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन हमें क्या गिवन है कि प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स, तो बिस्किट की प्राइस अगर एक्स है तो हमारे पास ये आ जाएगा 6x इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट जो कि वाई है, तो 6x इज इक्वल टू वाई। ये हमने इस स्टेटमेंट को जो हमें गिवन थी इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पार्ट 3 की स्टेटमेंट क्या है, इफ़ अ नंबर इज़ एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर द सम इज़ 25। तो लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर जो है
लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू वाई। तो कंडीशन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या मेंशन है, इफ़ अ नंबर इज एडेड टू थ्री टाइम्स ऑफ अनदर नंबर, फर्स्ट नंबर को जो कि एक्स है हमने ऐड करना है सेकंड नंबर के थ्री टाइम्स में, तो सेकंड नंबर अगर वाई है तो वाई का थ्री टाइम्स क्या होगा, थ्री वाई इज इक्वल टू इक्वल किसके है, 25 के। तो ये जो स्टेटमेंट थी हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर फोर, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू वन। तो लेट कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, फर्स्ट नंबर हमने लेट कर लिया एक्स है, और प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेकंड नंबर इज इक्वल टू वाई। अब कंडीशन हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर हम डिवीजन करें दो नंबर्स के सम की, तो दो नंबर्स का सम हमारे पास है x प्लस y, इसको डिवाइड करें हम इनके डिफरेंस से x माइनस y, तो वो इक्वल आएगा इज इक्वल टू वन। तो ये आ गया हमारे पास वन के इक्वल। पार्ट नंबर फोर में भी हमने जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है इक्वेशन की फॉर्म में। इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट नंबर जो फाइव है, ये क्वेश्चन नंबर वन का लास्ट पार्ट है। स्टेटमेंट क्या है, ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय सेवन ईयर्स बिकम वाई ईयर्स। तो फर्स्ट जो हमने एज लेट करनी है वो हम लेट कर लेते हैं एनी एज, जो लेट करनी है हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं। अब कोई भी जो एज है उसका ट्वाइस करना है, यानी कि डबल करना है, ट्वाइस ऑफ एनी एज डबल करके उसको आपने इंक्रीज करना है सेवन से। यहाँ पे लिखते हैं जी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जी कंडीशन हमें गिवन है कि कोई भी अगर हमारे पास एज है, फॉर एग्जांपल वो एक्स है, तो हम इसको उसका डबल करना है, तो एक्स का डबल आ जाएगा 2x, और उसको इंक्रीज करना है 7, तो ये आ गया 2x प्लस 7 बिकम y ईयर्स, तो वो इक्वल किसके आ जाएगा, y के। अब हमने एक्सरसाइज 2.19 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्टेटमेंट्स गिवन थी और हमने इन स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट किया है इक्वेशंस की फॉर्म में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने इक्वेशंस की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। जस्ट डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हमारे पास जस्ट सिंगल इक्वेशंस आ रही थी, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट देखें, राइट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस फॉर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, ये दो इक्वेशंस हैं x प्लस y इज इक्वल टू 5, x माइनस y इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1, ये इनका कॉमन सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम करेंगे जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस लिखेंगे। अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 1 क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड देयर डिफरेंस इज 2। तो लेट कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह के दो नंबर्स जो हैं वो हमारे पास एक एक्स है और दूसरा है वाई। लेट कर लिया कि फर्स्ट नंबर
इक्वल है एक्स के, और जो सेकंड नंबर है वो इक्वल है वाई के। तो कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सम ऑफ टू नंबर्स इज 10 एंड देयर डिफरेंस इज 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो दो नंबर्स को आपने लेट कर लिया कि वो x और y हैं, अननोन है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। पार्ट नंबर 2 है नेक्स्ट। स्टेटमेंट क्या है, इफ़ डबल द एज ऑफ सन इज एडिड टू द एज ऑफ फादर। हम पहले लेट कर लेते हैं एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स, एक्स ईयर्स है, यहाँ एक्स लिख लिया मैंने, एंड एज ऑफ फादर इज इक्वल टू वाई। अब कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन क्या गिवन है हमें, कि इफ डबल द एज ऑफ सन, सन की एज का मैंने डबल कर लिया, ए सन की एज को हमने लेट किया एक्स, तो डबल हमारे पास आ जाएगा 2x इज एडिड टू द एज ऑफ फादर, इसको ऐड करना है फादर की एज में, और वो इक्वल आ जाएगा, द सम इज 54। बट इफ़ डबल द एज ऑफ फादर इज एडिड टू द एज ऑफ सन, अगर सन की एज में ऐड करेंगे फादर की एज का डबल करके, वो इक्वल आएगा 92। देखें, फर्स्ट हमने इक्वेशन कैसे बनाई है, कि सन की एज को हमने डबल किया है, डबल द एज ऑफ सन इज एडिड टू द एज ऑफ फादर, और उसको फादर की एज में ऐड किया है, और वो 54 के इक्वल है, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या कहा है, बट इफ़ डबल द एज ऑफ फादर, अगर हम फादर की एज का डबल कर लें, यहाँ पे जो वाई था ये आ गया 2y, और सन की एज में ऐड करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 92 के। तो ये हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट नंबर 3 है, वन पेन एंड टू रेजर्स कॉस्ट इज़ ₹45 एंड टू पेन एंड थ्री रेजर्स कॉस्ट इज़ ₹80। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो कॉस्ट है ऑफ वन पेन इज इक्वल टू रुपीज़ लिख लेते हैं, यहाँ पे एज के साथ आप ईयर्स भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो जस्ट हमारे पास वेरिएबल ही आएगा। एंड कॉस्ट ऑफ वन रेजर इज़ इक्वल टू रुपीज़ वाई। अब कंडीशन हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा है, कि वन पेन एंड टू रेजर्स कॉस्ट ₹45। एक पेन है एक्स प्लस रेजर्स कितनी हैं 2y इज इक्वल टू 45 एंड टू पेन्स। अब हमारे पास पहले एक पेन था, अब हमारे पास दो पेन हो गए हैं, तो ये 2x आ जाएगा। इसी तरह प्लस अब रेजर्स कितनी हैं, थ्री रेजर्स 3y इज इक्वल टू 80। तो ये भी हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया है, हमें जो स्टेटमेंट्स गिवन थी क्वेश्चन नंबर 1 में
जस्ट एक इक्वेशन बन रही थी, क्वेश्चन नंबर टू में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन रही थी। हमने स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया है इक्वेशंस की फॉर्म में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.20 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।